भारत वेस्ट इंडीज के बीच तीसरे वनडे में स्टुअर्ट ब्रॉड के पिता ने रचा इतिहास, लगाई ट्रिपल सेंचुरी। आईसीसी एलीट पैनल के मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड शनिवार को यहां भारत और वेस्ट इंडीज बीच खेले जा रहे तीसरे एक दिवसीय मैच के दौरान 301 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच पूरे करने वाले दूसरे मैच रेफरी बन गए हैं। इंग्लैंड के ब्रॉड ने रेफरी के तौर पर अपने करियर की शुरुआत 2004 में ऑकलैंड से की थी। इस मामले में श्रीलंका के रंजन मदुगले उनसे आगे हैं, जिन्होंने 336 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में रेफरी की भूमिका निभाई है। इस सूची में तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के जीप क्रो है, जो 270 वनडे में मैच रेफरी रहे हैं। भारत के जवागल श्रीनाथ ने 212 और संन्यास ले चुके श्रीलंका के रोशन महानामा ने 222 मैचों में यह भूमिका निभाई है। ब्रॉड ने इसके अलावा 98 टेस्ट मैचों में भी रेफरी की भूमिका निभाई है और वे अगले 7 टेस्ट मैचों का सैकड़ा पूरा करने वाले दूसरे रेफरी बनेंगे। यहां भी पहले स्थान पर मदुगले है। ब्रॉड ने कहा, इतनी लंबी अवधि तक इस खेल के साथ सक्रिय रूप से जुड़े होने पर खुद को सम्मानित और अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली मान रहा हूं। 300 मेरे लिए सिर्फ आंकड़ा नहीं है, लेकिन यह उनकी भी कहानी है जिन्होंने इसमें योगदान दिया ताकि मैं अपने सपने को पूरा कर सकूं। ब्रॉड ने 1984 से 1989 तक इंग्लैंड के लिए 25 टेस्ट और 34 एक दिवसीय मैचों में खेला है। क्रिस ब्रॉड इंग्लैंड के मौजूदा टेस्ट टीम के नियमित सदस्य तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के पिता है।